कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव गोविंद सिंह राजपूत को बनाए जाने के बाद कांग्रेस अब जोश के साथ मैदान में नजर आने लगी है। जैसी नगर में सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर नायब तहसीलदार राजेश कोष्टी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली जो विभिन्न मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। अन्य दाम लेट जाएंगे, हम गोली खाने तैयार हैं, हम मरने तैयार हैं, पर किसानों को उनका अधिकार दिलाने के तब तक नहीं तो पूछे नहीं रहते। भारी वृष्टि हुई है, अभी कुएं गिरे हैं, मकान गिरे हैं, तहसीलदार का काम होता है, आप एक सप्ताह के अंदर। वहीं कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि भाजपा के 14.5 साल के कार्यकाल में आज हर वर्ग परेशान है। जिले के 180 गांव में बीमा की राशि नहीं आई है, ऐसे में किसान कहां जाए। कांग्रेस पार्टी मामा की फर्जी यात्रा में जाकर किसानों के हित के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 14.5 साल हो गए, चारों तरफ किसान परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं। अभी हाल ही में सागर जिले के लगभग 180 गांव का बीमा नहीं है, जबकि लोगों ने एक तरफ उनका भावांतर की राशि नहीं आ रही, उनके चने मसूर के पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ उनके बीमे की राशि नहीं मिल रही, भाई तो किसान कहाँ जाए। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और बिलावर युवा कांग्रेस साथियों द्वारा आज यहाँ धरना रखा गया था और इन्हें हमें बुलाया तो मैं भी आ गया हूँ। हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ खड़े हुए हैं और हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है कि आप जैसी नगर से के साथ साथ पूरे जिले के, क्योंकि यहाँ मामला तहसील का है, जैसी नगर 30 गांव का बीमा तत्काल मिलना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस का विरोध करेगी। मुख्यमंत्री की जो फर्जी यात्राएं चल रही वहां भी जाके हम चक्का जाम करेंगे, हम जेल जाएंगे, डंडे खाएंगे, गोली भी खाएंगे, पर किसान को उनका अधिकार दिलाएंगे। जैसी नगर से ब्रजेंद्र रैकवार, सागर टीवी न्यूज़।